हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको याद ही होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम दो टेबल्स के रिकॉर्ड्स को एक साथ लेके आ सकते हैं, रन करवा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो, कोई गलती हो गई हो तो उसमें हम कैसे चेंजिंग ला सकते हैं। तो पुराना रिकॉर्ड हम चाहे तो ले सकते हैं, यहाँ पर हमने जो एम्प्लॉय नाम से बनाया था इसमें डेटाबेस मौजूद होगा, तो यहाँ पर अगर टेबल पर क्लिक करते हैं हम तो हमें डेटाबेस वो दिखाई पड़ेगा। ये देखिए ये टेबल वन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। यही वो टेबल वन थी, एम्प्लॉई नेम था, एम्प्लॉई आईडी थी और पोस्ट था। ये यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ से अब ये दिखाई पड़ने लगा। इसी तरह से आईडी को भी यहाँ से हम खींच देंगे, ये तो ये आईडी भी दिखाई पड़ेगी। तो ये इस तरीके से आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजिंग करें, कुछ और भी चीजें ऐड करें, तो हमें ऐड करना है। तो ये ऐड कैसे होगा, तो आपको याद होगा कि छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं। हम टैली जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर कोई भी चेंजिंग करनी होती थी तो अल्टर का प्रयोग हम क्या करते थे, तो यहाँ पर भी हमें अल्टर कीवर्ड का यूज करना है। एक कीवर्ड यूज करेंगे अल्टर, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ क्वेरी बनाते हैं नया, चलते हैं क्वेरी पर और यहाँ पर हमको अल्टर यूज करना है, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं अल्टर। इस तरीके से अल्टर यूज करना है और कौन से टेबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखता हूँ टेबल, ठीक है। और फिर हमें टेबल का नाम देना है, तो टेबल का नाम क्या है हमारे, तो जो भी टेबल हो उस टेबल का आपको नाम लिखना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारे टेबल का नाम क्या था, तो हमारे टेबल का नाम टेबल वन था, तो वही टेबल वन आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देते हैं टेबल वन, ये टेबल वन लिख दिया हमने। अब क्या करना है, टेबल वन तो हो गया, लेकिन अब इसमें अल्टर क्या करना है, कैसे अल्टर करेंगे, तो वो चीज देखनी है, ठीक है। तो यहां पर हमें देना होगा लाइक यहाँ पे हम दे देंगे टेबल का नाम दे दिया और यहाँ पे अब हमें ऐड करना है, जो ऐड करना है वो यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे लिखता हूँ ऐड, ए डबल डी ऐड। तो क्या ऐड करना चाहते हैं, तो अब हम ऐड करना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी ले लिया, एम्प्लॉय नेम ले लिया, यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं एम्प्लॉय की सिटी, तो ये सिटी ऐड कर दिया हमने, ठीक है। और सिटी जो लिखेंगे हम वो कितने कैरेक्टर्स का होगा, तो यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन कर देते हैं इसकी, सी एच ए आर कैर डेटा टाइप, और इसमें हमने ये मेंशन कर दिया कि 30 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो ये 30 लिख दिया हमने। और 30 लिखने के बाद यहाँ पर इसे टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। टर्मिनेट करके और फिर हमारे जो टेबल का नाम था वो यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक कीवर्ड डिस्क्राइब, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब लिखने के बाद टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है टेबल वन, तो यहाँ पे टेबल वन आपको सिंपली दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल वन, तो लिखता हूं मैं टेबल टी ए बी एल ई वन, ये दे दिया हमने। और इसे क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेट करके एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने के बाद फिर यहाँ टेबल को अल्टर करना होगा, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं अल्टर टेबल, तो यहां लिख देता हूं मैं नीचे आकर के यहां पे लिख देता हूं अल्टर टेबल, तो अल्टर टी ए बी एल ई टेबल। ये अल्टर टेबल देने के बाद क्या करना है, हमें जो हमने अल्टर किया था वो चीजें यहां पे हमें लिखनी है, क्या हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं कर देता हूं लाइक टेबल का नाम है टेबल वन, तो पहले यहां टेबल वन लिखना होगा हमें, टेबल वन, और फिर यहां पे लिखूंगा मॉडिफाई, ठीक है। ये मॉडिफाई लिखने के बाद क्या करना है, यहां पे लिखेंगे किस में मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, तो यहां लिख देता हूं मैं नेम, एन ए एम ई नेम, एन ए एम ई नेम, ठीक है। और नेम के बाद यहां पर लिखूंगा कैर, सी एच ए आर कैर, कितने कैरेक्टर्स होंगे इसमें, नेम में कितने कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, वो चीज यहां पे दे देनी है। तो यहां पे दे देता हूं लाइक नेम में होंगे 10 कैरेक्टर्स, तो ये दे दिया हमने। और इसके बाद इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद यहां पर क्या करना है, दे देना है कि ये नल नहीं होना चाहिए, यहां पर आते हैं पहले, ये यहां पे क्लोज कर दिया, और यहां पे लिख देता हूं नॉट नल, नॉट नल, एन यू डबल एल, बस ये हो गया काम। और अब क्या करना है, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और एक ही बार यहां से एक्सिक्यूट करवा देते हैं, तो यहां पे ये एक्सिक्यूट नहीं हुआ है। यहां पे हम क्या करते हैं, ये यहां से इसको हटा देते हैं, और अब यहां से इसको लेंगे और इसको सिलेक्शन में ले लेंगे, सिलेक्शन में लेने के बाद अब एक्सिक्यूट करवाते हैं,
तो ये देखिए एक्सिक्यूट हो गया हमारा प्रोग्राम, यानी कि हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो सक्सेसफुली डन हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, अच्छा इसको प्रिंट करवाना होगा तो नीचे वही चीज हम दे देंगे जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है, पिछले एसक्यूएल के कई वीडियोस में मैंने बताया, वहां लिख करके और आप लाइन से जो भी चीजें चाहिए उस टेबल से रिलेटेड, तो वो सारी चीजों का नाम वहां मेंशन करेंगे कॉमा दे दे करके, तो वो नेम प्रिंट होकर आ जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।